सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प। सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूतियों की ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोग द्वारा यह सृष्टि स्वप्न और माया के समान मानी गई है। यह सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, ऐसा सृष्टि के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ चिंतन करने वाले लोगों का सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता। जैसा कि इंद्र मतलब परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं। आकाश में सुत फेंक कर उस पर शस्त्रों सहित आरूढ़ हो नेत्रेंद्रिय की पहुंच से परे जाकर युद्ध के द्वारा अनेकों टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावियों को पुनः उठाता देखने वाले पुरुष को उसकी रची हुई माया आदि के स्वप्न के माया आदि के रूप स्वरूप में चिंतन में आदर नहीं होता। उस मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही ये सुषुप्ति एवं स्वप्न आदि के विकार हैं तथा उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी के समान ही उन सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में स्थित प्राज्ञ एवं तेजस आदि हैं। किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न है और वही जैसे माया से आच्छादित कर रहने के कारण दिखलाई न देता हुआ ही पृथ्वी पर स्थित रहता है, वैसे ही तुरीय संज्ञक परमार्थ तत्व भी हैं। अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषों का उसी के चिंतन में आदर होता है, प्रयोजनहीन सृष्टि में उसका आदर नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वालों के ही हैं। इसी से कहा है स्वप्रमाया स्वपा इति, यथार्थ दूसरे इसे स्वप्न रूपा और माया रूपा बतलाते हैं।